वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 34 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे किसी कंडीशन के बेस पे कैसे स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, और साथ ही में आपके इटरेटिव स्टेटमेंट जिनको हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। यानी कि अगर हमको कहीं पर जरूरत पड़ती है कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की, उनको एक लूप में चलाने की, तो उनको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट सिंपली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क करते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं हमारे इंटरप्रेटर या कंपाइलर पे। तो इसको अगर डेफिनेशन में मैं लिखूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that perform some actions and can be executed on Python interpreter। पाइथन इंटरप्रेटर ही नहीं, यहाँ पे आप चाहें तो कंपाइलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपका कि उस लैंग्वेज के रूल्स के थ्रू लिखा गया हो और जो एग्जीक्यूट होगा, कोई स्पेसिफिक टास्क आपका परफॉर्म करेगा और उसका इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, उस पर वो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे पाइथन के अंदर तीन तरीके के हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले एम्प्टी स्टेटमेंट्स, दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स एंड थर्ड आपके होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो तीन तरीके के मेन यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें एम्प्टी स्टेटमेंट की, तो इसको नल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज ऑल्सो नोन एज नल स्टेटमेंट। इसको नल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये कुछ आपका काम नहीं करेगा, इट डज नथिंग। ये कुछ काम नहीं करता है, मेनली सिंपली आपका जो इंटरप्रेटर है इसको इंटरप्रेट करता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। ये मेनली आपका यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मान लीजिए अगर आप किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन आपने अभी वहां पे कुछ नहीं लिखा, आप फ्यूचर में कुछ लिखना चाहें, तो सिंपली आप वहां पे एम्प्टी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब पाइथन के अंदर एम्प्टी स्टेटमेंट हमारा होता है पास, यानी कि पास कीवर्ड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा रीड कराया, फिर आपने लिख दिया पास, फिर आपने नेक्स्ट कुछ और डेटा रीड कराया, तो सिंपली पास आपका कुछ करेगा नहीं, ये सिंपली आपका पास ऑन करता है कंट्रोल को। तो सिंपली ये क्या है, एम्प्टी स्टेटमेंट, इसको हम नल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, जब आपका कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है तो जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि any executable statement in Python is known as simple statement। इसको हम बोल सकते हैं एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल, कोई भी सिंगल आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो तो उसको सिंपली हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट आपने किया, कोई चीज़ आपने प्रिंट कर दी, या आप कोई डेटा आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो इस तरीके के जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट कहलाते हैं। इसके बाद मेन जो हमारा है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट या आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एज ए सिंगल यूनिट अगर ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसमें मैं लिखता हूँ when a group of statements are taken या executed as a single unit। तो इसको सिंपली बोल दिया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका एक खास सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमारा एक हेडर यहाँ पे आता है, या हेडिंग टाइप हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, वो आपका कोई स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे इफ स्टेटमेंट है, वाइल है, या कोई फंक्शन है। तो हेडर, देन कोलन, एंड कोलन के बाद इंटेंट में यहाँ पे सिंपली आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, STATE स्टेटमेंट्स,
एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो हेडर होगा, देन इंटेंट के अंदर आपका यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, तो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, जो एज ए सिंगल यूनिट यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। अभी हम देखने वाले हैं इफ हो या वाइल हो या फॉर हो, ये सभी क्या है, या कोई फंक्शन हो, ये सभी क्या है, आपके कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। यानी कि इसमें एक हेडर होगा, एक मेन पार्ट, और सब पार्ट सब डिपेंडेंट होते हैं इस हेडर पार्ट के अंदर। तो ये तो आपके सिंपल क्या है, ये आपके हैं स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं पाइथन के अंदर आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंपली क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि आपका क्या ऑर्डर रहेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, किस ऑर्डर में आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम लिख सकते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो मेनली ये भी आपके तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है सीक्वेंस, सीक्वेंस, देन हमारा आता है सेलेक्शन, या इसको ब्रांचिंग भी कहा जाता है, ब्रांचिंग इसको हम बोलते हैं, या सिंपली हमारा इटरेशन, इटरेशन, या सिंपली इसको लूपिंग भी कहा जाता है। अब सीक्वेंस हमारा सिंपल है, सीक्वेंस में क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल जब हमारा सिंपल होगा, जैसे अभी तक हमने प्रोग्राम किए हैं जिसमें आपका एक लाइन के फॉर्म में या एक स्ट्रेट लाइन या आपका वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपके जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि सीक्वेंस में आपका सिंपल है, आपका स्टेटमेंट वन है, देन स्टेटमेंट टू है, देन स्टेटमेंट थ्री है, इस तरीके से आपका एग्जीक्यूट होते हैं। इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है, या आपका एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आपका एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने अभी प्रोग्राम किए, फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबरों का सम निकाला, तो हमने एक नंबर रीड किया, देन सेकंड, देन दोनों का हमने सम एक थर्ड वेरिएबल में रख लिया, देन हमने उसको प्रिंट कराया। तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, एक सीक्वेंस है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, कोई जंपिंग नहीं हुई, किसी कंडीशन के बेस पे काम नहीं हुआ। तो ये क्या है, आपका सिंपल सीक्वेंस, सीक्वेंस फ्लो ऑफ कंट्रोल है, यानी कि एक लाइन के फॉर्म में जो होता है। देन आपका आता है सेलेक्शन या ब्रांचिंग। सेलेक्शन या ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे आपके कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट होते हैं, यानी कि हमारे पास, हमारा पूरा डिपेंडेंट होता है कंडीशन पे। अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो एक अलग तरीके के स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो अलग तरीके के हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका जो फ्लो आता है उसमें आप किसी कंडीशन को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन हमारी है, अगर ये कंडीशन हमारी होती है फॉल्स तो हमारे स्टेटमेंट्स अलग यहाँ पे प्रिंट होते हैं, और अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो हमारे अलग तरीके के स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं। बॉक्सेस यहाँ पे मैंने छोटे बनाए हैं। तो ये सिंपली आपका क्या है, ये आपका है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन, यानी कि आपको जब सेलेक्ट करना होता है कौन से स्टेटमेंट्स आपने प्रिंट करने हैं किसी कंडीशन के बेस पे। जैसे आपके ट्रैफिक लाइट है, आप लाइट के बेस पे आप वहाँ पे रुकते हैं, फिर आप जाते हैं, अलग अलग वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स, ये कहें अलग अलग तरीके के आपके डिसीजन होते हैं कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे भी सेम है, एक कंडीशन के बेस पे ही हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें इटरेटिव स्टेटमेंट की, तो ये सिंपली क्या होते हैं, जब आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना होता है किसी कंडीशन के बेस पे। अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो इसके अंदर आपके इफ हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, या इफ एल्स को हम डिस्कस करेंगे, या आपका इफ एलिफ एंड एल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीन तरीके के यहाँ पे आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट या लूपिंग के अंदर आप किसी कंडीशन को यहाँ पे चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन आपकी होगी, और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो सिंपली आपके कुछ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होते हैं, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होंगे, और ये बार बार रिपीट होते हैं। दोबारा ये कंडीशन हम रीचेक यहाँ पे करेंगे, यानी कि ये कंडीशन आपकी दोबारा चेक होगी, दोबारा चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा रिपीट होगा, ट्रू है तो दोबारा रिपीट होगा, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो सिंपली ये जंप करता है किसी दूसरे स्टेटमेंट में। इसके एग्जांपल सिंपली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे आपका वाइल लूप है, या वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट है, या फॉर है, इनको हम डिस्कस करेंगे। सिंपली क्या है, इटरेटिव यानी कि जो बार बार आपका रिपीट होते हैं, जो आपका रिपीटेशन पे काम करते हैं। जैसे फ़ोन के अंदर हम सॉन्ग सुनते हैं, हम कोई सॉन्ग सुनते हैं कब तक, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशन वहाँ पे क्या हो गई, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता हम सेम सॉन्ग वहाँ पे सुनते रहेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। जैसे हम फुली सेटिस्फाइड हैं तो कंडीशन फॉल्स हुई और हम किसी
दूसरे स्टेटमेंट किसी दूसरे सॉन्ग पे हम जंप करते हैं। तो ये सिंपल क्या है, ये आपके इटरेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि आपका लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये तो एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होगा, क्योंकि अब हमने यही डिस्कस करना है, इफ एल्स हो या आपका लूपिंग हो, फॉर हो, व्हाइल हो, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं आपके कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो सिंपली हमको प्रोग्राम और अच्छे से करने में मदद करते हैं, यानी कि कुछ हमारे टूल्स हैं जैसे आपके सूडो कोड है या फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है। तो देखते हैं ये सब क्या होते हैं और इनकी मदद से कैसे हम प्रोग्राम को और सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या सिंपली अपना कोड हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका यहाँ पे सूडो कोड क्या होता है, टूल्स की जो मेनली हमारे यूज होते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सूडो कोड। तो पहले हम देखते हैं सूडो कोड को, SEUDO कोड, सूडो कोड। अब सिंपली सूडो कोड जो होता है इसको हम एक रफ प्रोग्रामिंग या रफ प्रोग्राम कोड भी बोलते हैं। ये आपका एकदम प्रोग्रामिंग कोड की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, यानी कि एक सिंपल सा हमारा कोड जो ऑलमोस्ट आपका प्रोग्राम ही बनने वाला हो, यानी कि एक रफ प्रोग्राम भी इसे हम बोल सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ इट इज अ रफ प्रोग्राम, इट इज अ रफ प्रोग्राम विच डज नॉट फॉलो, विच डज not strictly follow certain programming rules, यानी कि कोई रूल ये फॉलो नहीं करता, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपका कोड की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सूडो कोड लिखें यहाँ पे टू नंबर्स को ऐड करके उनको प्रिंट करने का, तो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एंटर ए, देन मैंने लिखा एंटर बी, फिर मैं लिखता हूं एड ए प्लस बी, यानी कि हमने ऐड कर दिया सिंपली। देन मैंने यहां पे लिख दिया इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 100, तो प्रिंट कुछ स्टेटमेंट हम प्रिंट कर दें, एल्स प्रिंट कुछ और स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दें। अब देखिए इफ एल्स तो हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है। वैसे इसके अंदर साथ आपके कोलन यहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम इनपुट यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने प्रोग्रामिंग की तरह इसको लिखा हुआ है। तो ये सिंपल क्या है, ये आपका दो नंबरों को ऐड करके उनको चेक करने के लिए कि दोनों को जोड़ के आपका 100 से ऊपर आता है नहीं, एक सूडो कोड है, एक सिंपल यहाँ पे सैंपल यहाँ पे एक प्रोग्राम इसे बोल सकते हैं। देन आपकी यहाँ पे आती है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम सिंपली क्या होती है और क्या अंतर है एल्गोरिथम और सूडो कोड में, देखिए सबसे पहले आपका जो डिजाइनिंग होती है सबसे सिंपल जो है वो होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से हम सिंपली जाते हैं आपका सूडो कोड पे, एंड सूडो कोड से हम सिंपली जाते हैं आपका प्रोग्राम पे। तो थ्री स्टेप प्रोसेस है, सबसे पहले एल्गोरिथम आपकी तैयार होती है, देन आपका सूडो कोड, देन हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे एल्गोरिथम क्या है, ये आपका है इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या सिंपली इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये सिंपल एल्गोरिथम है। जैसे घर पे आपका अगर आप चाय बनाते हैं या कुछ जूस आप बना रहे हैं, तो उसके लिए जो सिंपल हम स्टेप फॉलो लिखते हैं इंग्लिश में, अगर सिंपल स्टेप्स लिखेंगे तो उसको भी हम एल्गोरिथम बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको टू नंबर का यहाँ पे सम अगर इसी सूडो कोड को हमने एल्गोरिथम बनाना हो, वैसे हम करते क्या है, नॉर्मल एल्गोरिथम से यहाँ पे सूडो कोड बनती है, लेकिन अगर हम उल्टा करें तो ये सिंपल आपका एक जनरल सेंटेंसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला स्टेप इंटर फर्स्ट नंबर, देन मैंने लिख दिया नंबर टू इंटर सेकेंड नंबर, देन मैं लिखता हूं एड बोथ द नंबर्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके एक एल्गोरिथम है, आपके स्टेप्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। ये आपका काफी क्लोज है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड से, जबकि ये आपका उतना क्लोज नहीं है, इसमें जनरल हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देन अगर मैं यहाँ पे लिखूं एड, हमने दोनों को कर दिया, देन हमने कंपेयर करना है, कंपेयर एडिशन फ्रॉम सॉरी विथ 100, देन पांचवा स्टेप प्रिंट इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन
100। तो इस तरीके से आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखते हैं पूरी इंग्लिश को आप यूज जब करते हैं तो सिंपली आपके एल्गोरिथम कहलाती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एल्गोरिथम। और जो आपका स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करता लेकिन ऑलमोस्ट जो आपका प्रोग्रामिंग कोड की तरह होता है वो आपका सूडो कोड होता है। दोनों ऑलमोस्ट आपके सेम ही हैं और आपके सिलेबस में शायद केवल एल्गोरिथम है, सूडो कोड वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सीखते हैं क्योंकि काफ़ी जगह आपको सूडो कोड भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला है फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये सिंपली क्या होता है, जब आप ग्राफिकल फॉर्म में किसी प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट करते हो तो इसमें मैं लिखता हूं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं, यानी कुछ सिंबल्स का हम यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका ओवल शेप जो कि आपका यूज होता है स्टार्ट एंड स्टॉप को जो दिखाता है, उसके अलावा हम इस तरीके का सिंबल सिंपली यूज करते हैं आपका इनपुट आउटपुट के लिए। देन हम यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए जो कि प्रोसेसिंग शो करता है। देन हम यहाँ पे इस तरीके का सिंबल हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका डिसीजन के लिए, जैसा अभी हमने देखा था डिसीजन अगर हमको कहीं पे दिखाना हो। उसके अलावा हम यहाँ पे कनेक्शंस दिखाते हैं सर्कल से, आपके कनेक्शंस अगर हमने दिखाने हो या आपकी कनेक्टिंग लाइंस हैं तो यहाँ पे कनेक्टर्स या कनेक्टिंग लाइंस हम इस सिंबल से दिखाते हैं। तो सिंपल अगर हम इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें अपने कोड को, अपने सॉल्यूशन को, तो सिंपली आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे, अगर हम दो नंबरों का सम निकालें और प्रिंट करें तो आपका वो कैसे होगा। सबसे पहले हमने कहा स्टार्ट, काम स्टार्ट हुआ, देन हमने यहाँ पे दो नंबरों का सम निकालना है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए इस तरीके का बॉक्स हम यूज करते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं इनपुट ए कॉमा बी, दो नंबर हमने यहाँ पे रीड किए, देन हमने इसका सम निकालना है। तो हमने यहाँ पे अब प्रोसेस करनी है, तो प्रोसेस के लिए कौन सा बॉक्स यूज होता है, सिंपल रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर ऐड ए एंड बी, इनको ऐड कीजिए। अब कोई कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं, अब मान लीजिए अगर हम 100 से ज़्यादा वाली कंडीशन यहाँ पे लेते हैं देन हम यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन कि आपका जो यहाँ पे सम है अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो कुछ आपके अलग यहाँ पे स्टेटमेंट्स रन हो। एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके आउटपुट हमको दें और आउटपुट चाहिए, तो सिंपली इसको हमको इस तरीके के बॉक्स में यहाँ पे दिखाना होगा। वरना अगर आपका 100 से ज़्यादा नहीं है तो अलग तरीके के यहाँ पे दिखाए, एंड फाइनली हम इसको कर देंगे यहाँ पे स्टॉप। तो ये सिंपली आपका क्या है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आपका फ्लो चार्ट। तो इसी के साथ एक ओवरव्यू भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है इस चैप्टर का। तो आपसे अगली वीडियो नंबर 35 में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स।